आई कैन सेंस कि वो अब अपने आप को चेंज कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आप उन्हें एक्सेप्ट कर पाओ और एक दूसरा मौका दे पाओ। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूं। आई सी कि आपका कनेक्शन बहुत फॉर्मेलिटी से भरा हुआ था। फिलहाल आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, या कर भी रहे हो तो उतनी खास नहीं। आई कैन फील कि आपका पर्सन आपको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। जो प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच क्रिएट हुई और जिसका डिस्कशन आप दोनों के बीच होना बेहद ज़रूरी था, वो उसको एड्रेस करने से अवॉइड कर रहे थे। आई गेट अ वाइब कि आपके पर्सन में बहुत ईगो थी। वो अक्सर अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करते और ना ही किसी के सामने एडमिट करते थे। अपनी गलतियों के लिए वो दूसरों को ब्लेम करने लग जाते थे, एंड आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आपके बीच आर्ग्यूमेंट्स और मनमुटाव का। ऐसा भी लगता है कि आपका पर्सन आपसे बहुत डरता था, या इस कनेक्शन से बहुत डरता था। कुछ ऐसी चीज़ थी जो उनके साथ पास्ट में हुई थी, जिसके फ्लैशबैक्स उन्हें खुलकर जीने नहीं देते थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपके कनेक्शन से उभर कर आ रही है, वो है अवॉइडिंग की। आपका पर्सन इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक्स को अवॉइड करता था, या डेप्थ में बात करने से अवॉइड करता था। ओवरऑल आई सी कि वो काफ़ी अनइमोशनल पर्सन है, जिनको दूसरों के सेंटिमेंट्स की परवाह नहीं है। आई सी कि आपके पर्सन को लीडर बनने का बहुत शौक था, या उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज कूट कूट कर भरी हुई थी, और इसी चीज़ का उन्हें बहुत घमंड था। वो चाहते थे कि वो सबके सामने स्ट्रॉन्ग दिखें, रोल मॉडल बने, लेकिन आपकी प्रेजेंस कहीं ना कहीं उन पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती थी। उनकी ईगो आपके होने से ट्रिगर होती थी, जो वो नहीं चाहते थे कि हो। बट डीप डाउन आई कैन सेंस कि वो आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव और पोजेसिव थे। वो आपको चाहते थे, और शायद इसी चीज़ से डरते थे कि कहीं वो खुद की प्राइड को इस कनेक्शन की वजह से खो ना दें। आप आपके पर्सन के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो। वो किसी भी काम को करने से पहले आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि आप उन्हें समझाया करते थे, उनको एडवाइसेस दिया करते थे। इट फील्स कि आपका इम्पैक्ट उन पर काफ़ी पावरफुल रहा है। ऐसी ये सेपरेशन आप दोनों को ही कुछ वैल्यूबल लेसन सिखा रहा है, जो आप फ्यूचर में इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि आप दोनों को ही ये सीखने की ज़रूरत थी कि रिलेशंस की क्या अहमियत होती है, या रिश्तों को कैसे बचाकर रखना चाहिए। आई गेट अ वाइब कि पहले आपका मिलना जुलना काफ़ी आसानी से हो जाया करता था, और आपकी बॉन्डिंग भी इस वजह से स्ट्रांग होती जा रही थी। लेकिन नाउ आई कैन सेंस कि आप अलग अलग रह रहे हैं, और आपका मिलना जुलना भी कम हो गया है, जिससे इस कनेक्शन में दूरी और बढ़ गई है। आपका पर्सन भी अभी इमोशनल स्टेट और फिजिकल स्टेट दोनों के बीच स्ट्रक है। वो बैलेंस करना चाहते हैं लाइफ को, ताकि उनके इमोशंस में स्टेबिलिटी आ सके, क्योंकि पास्ट में अपने अनबैलेंस नेचर की वजह से उन्होंने आपके साथ काफ़ी रूड बिहेवियर किया, जो आपको काफ़ी हर्ट किया था। तो अब आपका पर्सन अपने इस बिहेवियर को बदलना चाहता है, ताकि आपके कनेक्शन में भी एक स्टेबिलिटी आ सके। आई सी कि आपने उनके ईगो और प्राइड को ट्रिगर किया था, जिससे वो अनकंफर्टेबल हो गए थे, या वो नहीं चाहते थे कि उनमें से वो चीज़ हटे, क्योंकि वो रेडी नहीं थे इस चेंज के लिए, इस एवोल्यूशन के लिए। आपकी प्रेजेंस और एनर्जी उनके अंदर के कॉन्फिडेंस को लो करती थी, क्योंकि उनके हिसाब से आपका ऑरा ही इतना अच्छा था कि उन्हें अपने कैरेक्टर पर डाउट होने लगता था। आई ऑल्सो गेट अ वाइब कि आपसे दूर होने के बाद उन्हें आपकी कमी खलने लगी है, और वो चाहते हैं कि उनके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आए। इसके लिए वो आपका सपोर्ट, आपकी प्रेजेंस चाहते हैं। बीच बीच में वो आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अपने पर्सनल रीजंस की वजह से रुक जाते हैं। बट वन थिंग्स फॉर श्योर कि वो आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे। ऐसी कि आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि उनके बिहेवियर की वजह से
वो आज इतना परेशान है, उनकी लाइफ से जैसे मानो सारी खुशियां चली गई हैं। इट फील्स कि उन्हें पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ कैसा बिहेवियर किया, क्योंकि अब वो आपसे दूर हैं तो वो रियलाइज कर पा रहे हैं कि ईगो से कोई रिश्ता नहीं बनता और उनको अपने कनेक्शन को प्रिजर्व करके रखना चाहिए। आई फील कि आपको उनके बिहेवियर से फ्रस्ट्रेशन से ज़्यादा हर्ट हुआ था। आप खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे कि आपको उनकी कही गई बातें या उनके एक्शंस दुख पहुंचा रहे हैं, बट आखिर में आपने खुद को चुना और खुद को प्रायोरिटी दी और आज आपको ऐसा लगता है कि आपको सच में स्पेस की ज़रूरत थी और आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया ये करके। हालांकि आपको अंदर ही अंदर अपने पर्सन की याद सताती रहती है और आप होप करते हो कि वो आपसे माफ़ी मांगने आए, आपसे मुलाकात करने आए। आपके पर्सन के साथ साथ आपको भी रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनके बिना नहीं रह सकते और आपकी फीलिंग्स उनके लिए कितनी गहरी थी। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ, तब तक आप प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस रीडिंग को लाइक कर दें और पेड रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। आई फील कि आपका पर्सन एक्सेप्ट करता है कि जो भी प्रॉब्लम्स इस कनेक्शन में आई हैं वो उनकी वजह से आई हैं और आज जो कंडीशन है इस कनेक्शन की, जो दुख वो झेल रहे हैं वो डिजर्व करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो किसी भी रिश्ते के लायक नहीं हैं और आप उनके साथ इतने लंबे समय तक रहे, काफ़ी सीरियस रहे, काफ़ी इन्वेस्ट किया, उसके लिए वो आपको तहे दिल से अप्रिशिएट करते हैं और सोचते हैं कि आपने कैसे ही उनको झेल लिया। आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आपकी फीलिंग्स के साथ जस्टिस नहीं किया। इट फील्स कि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने एफर्ट्स और फीलिंग्स रेसिप्रोकेट नहीं की, लेकिन अब उनको एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया और आप ये सब बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे। आई कैन सेंस कि वो अब अपने आप को चेंज कर रहे हैं आपके लिए ताकि आप उन्हें एक्सेप्ट कर पाओ और एक दूसरा मौका दे पाओ, क्योंकि उनको रियलाइज हो गया है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते और आप जो भी उन्हें कहते थे वो उनके भले के लिए ही होता था। आई ऑल्सो फील कि उनका ईगो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उनके सारे कनेक्शंस बिखर चुके थे, वो काफ़ी अकेले हो गए थे और अकेलापन महसूस कर रहे थे। अब ऐसा लगता है कि उनको अपना अकेलापन भरना है जो कि आप भर पाओगे। आई गेट अ वाइब कि उन्होंने प्लान्स बनाना शुरू कर दिया है आपको अप्रोच करने के लिए, या तो वो आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आपके फ्रेंड्स के जरिए आप तक मैसेज पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वन थिंग्स फॉर श्योर कि उन्होंने ठान ली है कि अब तो आपको अपना बना के ही रहना है। आपका पर्सन मुस्कुराना भूल गया है, वो ये भूल गए हैं कि असली खुशी क्या होती है, क्योंकि बहुत टाइम से आप एक दूसरे के साथ नहीं हो। आपका पर्सन काफ़ी बेबस और लाचार हो गया है और उनकी यह हालत उनकी फैमिली से देखी नहीं जाती। वो भी चाहते हैं कि उनकी खोई हुई खुशी वापस आ जाए, जो कि आपके आने से ही संभव है। इसके लिए उनकी फैमिली भी एफर्ट्स कर सकती है आपको कांटेक्ट करने के लिए। ऐसी कि आप भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं अपने पर्सन से मिलने का। डीप डाउन आपको डर भी है कि कहीं आपको दोबारा वही सबसे ना गुजरना पड़े, बट निश्चित रहिए क्योंकि आपके पर्सन ने खुद को बदल लिया है और अब वो एक बेटर पर्सन के रूप में उभर कर आ रहे हैं। आई ऑल्सो थिंक कि आप दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन फिर भी आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। आप दोनों को ही कभी कभी ये डर लगता था कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर आपको अपने कनेक्शन पर यकीन होने लग गया था कि ये कनेक्शन सक्सेसफुल होगा, बट दूरियां होने के बाद आपका विश्वास डगमगा गया था। लेकिन ये विश्वास दोबारा जुड़ने वाला है, क्योंकि आपका पर्सन जल्द ये कनेक्शन इम्प्रूव करने आने वाला है। ऐसी कि आपका पर्सन आपके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स की तैयारी कर रहा है
जिसमें वो आपको प्रपोज कर सकते हैं और आपसे माफी मांग सकते हैं। वो खुद को प्रूव करना चाहते हैं कि वो अब आपके लिए परफेक्ट इंसान है और उनसे ज्यादा आपको बेटर और कोई नहीं मिल सकता। अंदर ही अंदर वो ये भी होप करते हैं कि आप भी सेम फील करते होंगे और जल्द ही आप दोनों एक होंगे। मैं यूनिवर्स एज योर बैक की मदद से यूनिवर्स से आपके एडवाइस पूछता हूं, देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। द यूनिवर्स वर्क्स फास्ट व्हेन आई एम हैविंग फन। यूनिवर्स यहां आपको बताना चाह रहा है कि आपको एक एक दिन बोझ के जैसे नहीं जीना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जिंदगी में चीजें स्लो मूव करेंगी, बल्कि आपको यहाँ खुद के लिए कुछ फन करना चाहिए। बिकॉज जब आप खुद की कंपनी एंजॉय करने लगोगे और लाइफ में फन करोगे, तो आप अपने पर्सन से अपनी एनर्जीज पुल बैक कर लोगे और ऐसा करने से यूनिवर्स भी आपकी सिचुएशन में फास्ट काम कर पाएगा। अब आप उनके पीछे नहीं, वो आपके पीछे भागेंगे। कैसे? जाने स्क्रीन पर शो हो रहे इस नेक्स्ट टैरो रीड में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ऊपर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन ब्लेस यू।